हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम की ओर, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए जिसमें मैंने बताया कि आप बागेश्वर धाम की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बागेश्वर धाम की ओर। हम पहुंच गए कोटा जंक्शन पर, जहां पे हमारी ट्रेन है जिससे हम जाने वाले बीना की ओर। तो हम पहुँच गए कोटा जंक्शन और ये आ गई है हमारी ट्रेन। और हम पहुंच गए हैं बीना जंक्शन। बीना जंक्शन से ही हम छत्रपुर के लिए एक और ट्रेन में बैठेंगे, जहां से हम छत्रपुर पहुंच के हम बागेश्वर धाम यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर धाम यात्रा में जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो आपको ऐसे ही पहले बीना से छत्रपुर जाना पड़ेगा। ये हम बैठ गए हैं छत्रपुर के लिए ट्रेन में, ये देख सकते हैं आप। ये हम पहुँच गए छत्रपुर, बागेश्वर धाम के बहुत करीब आ चुके हैं हम। ये बागेश्वर बाबा चमत्कार को नमस्कार। हम पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम बालाजी के मंदिर प्रांगण में, ये देख सकते हैं आप। बालाजी के मंदिर प्रांगण में बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, तो आप यहां से प्रसाद अर्जी के लिए नारियल ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप भीड़। मेरा विशेष अनुरोध है कि आप बच्चों को लेके यहाँ ना आए। ये देख सकते हैं आप भीड़। हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। बागेश्वर धाम बालाजी के मंदिर में लाखों लोग रोजाना दर्शन करने आते हैं और अपनी अर्जियों को यहाँ बांध के जाते हैं नारियल के रूप में। तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ, आपको यहाँ एक आस्था का केंद्र देखने को मिलेगा। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पर जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर आती हूँ। हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और ये देखिए आप बागेश्वर धाम बालाजी के भक्त, जो कि काफ़ी यात्रा करने के बाद उनके दर्शन पाते हैं। थोड़ी देर में हमें बागेश्वर बालाजी के दर्शन होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, तो आप यहाँ पे सोच समझ के आए। यहाँ पर आप बालाजी के प्रांगण हैं, छोटा मंदिर है पर मान्यता काफ़ी है। ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु जी है, सन्यासी बाबा जिनकी समाधि बनी हुई है, तो इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये आप देख सकते हैं आगे मंदिर है। आगे फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, इसके बाद हम दर्शन करके पीछे के गेट से वापस आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ बैठने की जगह बनाई हुई है ताकि भक्तगण यहाँ बैठ सके और अपने बारी का इंतज़ार कर सके। ये देख सकते हैं आप, श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ मंदिर में हर रोज़ आ रहे हैं। हमने भी बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए और अपनी अपनी अर्जियों को बागेश्वर बालाजी के दरबार में बांधा। ये यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरुजी आने वाले हैं। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इसके लिए। ये देख सकते हैं आप भीड़। गुरुजी यहाँ विद्यमान थे, तो लाखों भक्तगण उनके दर्शन करने के इच्छुक थे, तो सभी अपनी मनोकामना लेके गुरुजी के चरणों में उपस्थित हैं। रामचंद्र भगवान की और धाम की, बाबा की, देवराज सरकार की, मां पार्वती पते हर साधु जी, साधु जी बोलो भैया, बालाजी महाराज सन्यासी बाबा जितने भी ये प्रेत रोगी आ रहे सब, जय हनुमान जी। हमें कैसा तुम्हारे आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा सफल हो गए। जय सियाराम। लो अब जो गेट खोलो, रास्ता छोड़ो, भूतन है जान दो उसे। गुरुजी के दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए खजुराहो और हमने यहाँ पे लिया रूम, जो कि छत्रपुर में ठहरने की जगह इतनी अच्छी नहीं है, तो हम खजुराहो में आके आप रह सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल रेट में आपको होटल रूम मिल जाएंगे। तो हम भी छत्रपुर में ना रुक के खजुराहो आए और यहाँ ही हमने होटल रूम लिया और तो
नाइट स्टे किया। ये था हमारा होटल रूम, इसके बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा देती हूँ। जहाँ हमने थोड़ी देर किया फ़ोटोशूट, उसके बाद हम हो गए रवाना। खजुराहो में कुछ मंदिर से हैं तो हम उन्हें देखने भी गए हैं। उन्हीं में से एक मंगतेश्वर महादेव मंदिर भी है तो हम वहाँ भी गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा शिवलिंग है। वो जितना बाहर दिखता है उतना ही ऊपर भी निकला हुआ है, तो हम उसे देखने गए। या हम बोला होटल सूर्या को बाय बाय और हम चल दिए मंगतेश्वर महादेव मंदिर की ओर। मंगतेश्वर महादेव मंदिर में जाते समय ही हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं आप, शॉपिंग की हमने। इसके बाद हम गए मंदिर में। ये था मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसके बाद हम गए खजुराहो स्टेशन, जहाँ हमारी ट्रेन थी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2216 महामना एक्सप्रेस खजुराहो से चलकर किंकनगर। यहाँ से थी हमारी ट्रेन कोटा के लिए, तो हम पहुँच चुके हैं कोटा। और ये था हमारा डिब्बा, ये इस ट्रेन का नाम है दयोदया एक्सप्रेस। बागेश्वर धाम यात्रा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ, अपनी अर्जी लगा के ज़रूर जाएँ। बागेश्वर बाबा जी आपकी अर्जी भी जरूर स्वीकार करेंगे। तो थैंक यू।